तो एस सी वर्मा का चैप्टर नंबर 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्या बोला है कि एट विच पॉइंट ऑन इट्स पाथ अ प्रोजेक्टाइल हैज अ स्मॉलेस्ट स्पीड। क्या बोला है कि हमें पता है ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये ध्यान देना, क्वेश्चन में स्पीड की बात किया है, वेलोसिटी की बात नहीं किया है, ठीक है ना। तो इसको वाई एक्सिस मान लिए, इसको एक्स एक्सिस मान ली। अब सोचो यार, हर समय हमें प्रोजेक्टाइल के बारे में पता है कि हर समय इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में कोई फोर्स होता नहीं है। तो हमें पता है कि हर समय एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी होती है, यू कॉस थीटा होती है, ठीक है। तो अब सोचो, जब हमने फेंका बॉल को तो उसकी वर्टिकल डायरेक्शन कुछ ज़्यादा रही होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, ठीक है। बाद में वो धीरे धीरे कम होते गई, ये और कम हो गई, और यहाँ पर बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। फिर क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ी सी नीचे की तरफ, फिर और थोड़ी नीचे की तरफ, यानी कि और बड़ी, और यहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा, ठीक है। अब सोचो, यहाँ पर हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट हमने बनाए हैं। सोच के देखो, इन सातों पॉइंट्स में, मतलब इन इन सभी सातों पॉइंट्स में एक्स और वाई का एक क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी, जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो अपन उसको बनाते हैं, ये रिजल्टेंट होगा कुछ इस प्रकार का, ठीक है। ये रिजल्टेंट हुआ, इसका रिजल्टेंट तो यही रहेगा, इसका ऐसा, इसका ऐसा और इसका ऐसा। अब दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट को कंपेयर करना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल की जो मिनिमम स्पीड है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो साफ सीधी बात है, सातों के सातों पॉइंट में एक्स वाला कंपोनेंट तो सेम है, पर वाई वाला कंपोनेंट सबसे कम किस में है, इस टॉप वाले पॉइंट में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो रिजल्टेंट आएगा वो सबसे स्मॉलेस्ट इसी पॉइंट के लिए आएगा। अरे भाई, क्योंकि रिजल्टेंट क्या होता है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर। अब ये चीज़ तो सातों पॉइंट के लिए कांस्टेंट है, ठीक है, पर ये चीज़ मिनिमम किसके लिए है, इस पॉइंट के लिए, ये वाले पॉइंट के लिए, ठीक है ना भाई। तो इस पॉइंट के लिए जो है वेलोसिटी, इस पॉइंट को नाम मैं कुछ टी नाम दे देता हूँ, टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो हमें समझ में आ जाएगा कि वेलोसिटी एट रिजल्टेंट वेक्टर एट टॉप विल बी व्हाट, ये चीज़ तो ज़ीरो हो जाएगी, ये वाला टर्म, और क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ यू एक्स, ठीक है। तो द टॉप मोस्ट पॉइंट इज़ आवर आंसर। थैंक यू।